हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल डू न्यूरो एनाटमी, जो कि एनाटमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बट एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो पूरा पढ़ना और उसको याद रखना इज नियरली इम्पॉसिबल। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रॉफ में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जिसपे आज हम मिड ब्रेन देखेंगे। तो मिड ब्रेन का पहले आई विल टेल यू द बेसिक स्ट्रक्चर कि ट्रांसवर्स सेक्शन पे कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। एंड दो सेक्शंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में, एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो सबसे पहले जो मिड ब्रेन है उसको हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं कि देखो, ये वाला पार्ट जो है डॉर्सल पार्ट, ये टेक्टम है, और ये हमारा टेगमेन है। यहाँ हमारे पास क्रस्ट सेरेब्राई है, सबस्टांशिया नाइग्रा, नाइग्रा का मतलब ही होता है डार्क पिगमेंटेड, तो ये आपको दिख रहा है पिगमेंटेड एरिया। और यहाँ पे सेरिब्रो पेडंकल्स होते हैं जो मिड ब्रेन को और पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से कनेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, आपकी बीडीसी में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। एक बार इसको बेसिक तरह से देखेंगे। देखो, इस वीडियो को ना बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके 3 बार रिविजन हो जाएगी। कैसे? फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन कि बुक में कैसा दिया हुआ है, देन कि मैंने खुद से बनाया है उसमें मैं बताऊंगी, एंड देन दिस इज अ ब्लैंक शीट जहाँ पे वी विल ड्रॉ इट टुगेदर, बिकॉज अल्टीमेटली समझ तो आ जाता है बट आपको तो ड्रॉ करना है मेन एग्जाम में। ठीक है, ओके। सो ये हमें दिख रहा है एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंफीरियर कॉलिकुलस, नेक्स्ट वीडियो में सुपीरियर कॉलिकुलस। तो इंफीरियर कॉलिकुलस में जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखती है, और इसी सीक्वेंस में सोच रहे हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका कोई भी पार्ट ना इनमें से मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रे मैटर। तो जस्ट एक कॉमन सेंस से बताओ कि इस पिक्चर में आपको कौन कौन सा ग्रे पार्ट दिख रहा है, दिस वन है ना, और ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं। तो ये क्या है हमारा, दिस इज द सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ये तो एक डक्ट है, दिस इज नॉट द ग्रे पार्ट, बट इसके अराउंड ये सारा ग्रे पार्ट है। ठीक है, ये सारा उसका ग्रे पार्ट है। तो इस पार्ट को बोलते हैं पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैट। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर। ठीक है, पेरी का क्या मतलब होता है अराउंड। सो ये एक्वाडक्ट, सेरिब्रल एक्वाडक्ट के अराउंड वाला ग्रे मैटर है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये, ठीक है, और ये पेयर्ड है। ठीक है, तो ये है हमारे, इफ यू फॉलो द एरो, तो ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस। ट्रोक्लियर नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, हमारी ट्रोक्लियर नर्व होती है फोर्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो आपको फोर्थ नर्व का, फोर्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस दिखेगा कहाँ पर, वेंट्रोमीडियल पार्ट में। ठीक है, एक और चीज देखो, ये वेंट्रल होता है एंटीरियर, ठीक है, और ये होता है डॉर्सल पीछे, डॉर्सल या पोस्टीरियर। तो अगर मुझे इसकी लोकेशन डिफाइन करनी है ट्रोक्लियर नर्व के न्यूक्लियस की, तो एक तो ये वेंटर वेंट्रल है। किसके कंपैरिजन में कह रहे हैं हम, अभी इस ग्रे मैटर को देख रहे हैं, इसमें एक ये मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ नर्व है और ये फोर्थ नर्व है। तो फिफ्थ और फोर्थ को कंपेयर कर रहे हैं, तो फोर्थ का जो न्यूक्लियस है वो वेंट्रल है, और थोड़ा सा देखो तो मीडियल है, ये अगर मिडल लाइन है तो ये ज्यादा मीडियल है एज कम्पेयर टू ये। ठीक है, ये थोड़ा सा लेटरल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग जब आपको ड्रॉ करनी है वो है ये मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। जल्दी से सोच के बताओ, फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है, हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व, और ये कहाँ पे है, लेटरल पार्ट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमने ये वाला ग्रे मैटर देखा था ना, ये वाला ग्रे मैटर क्या है, सबस्टांशिया नाइग्रा, सबस्टांशिया नाइग्रा है, और मैंने बताया नाइग्रा का मतलब भी होता है डार्क पिगमेंटेड, थोड़ा डीपली पिगमेंटेड नर्व सेल्स हैं यहाँ पे। ठीक
ठीक है। और इसका काम क्या होता है, सबस्टांशिया नाइग्रा का मसल टोन मेंटेन करता है, ठीक है। अगर आपने पार्किंसोनिज्म वाला डिजीज पढ़ा है तो उसमें आपको पता है कि सबस्टांशिया नाइग्रा में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, जो डोपामिन रिलीज करते हैं, डोपामिन रिलीज करते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। ऑल्सो देखो, जब हम ग्रे मैटर डिस्कस कर रहे हैं ना, सी दीज, ठीक है, दीज इज द इंफीरियर कॉलिकुलस। और अगर हम कह ही रहे हैं कि मैं कौन सा सेक्शन देख रही हूँ, एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस, तो इंफीरियर कॉलिकुलस तो करना ही पड़ेगा डिफाइन हमें। अब जो ये इंफीरियर कॉलिकुलस है, ये कहाँ से अपने एफरेंट लेता है और कहाँ इफरेंट देता है, तो ये दिख रहा है आपको लेटरल लेमिनिस्कस। लेटरल लेमिनिस्कस से एफरेंट आता है, ठीक है, सो सेंसरी नर्व के थ्रू। और इसका जो इफरेंट है वो जाता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। अब देखो, पास्ट में ना माना जाता था कि ये जो इंफीरियर कॉलिकुलस है, इट इज अ सेंटर फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है। बट जो प्रेजेंट एविडेंस है वो क्या इंडिकेट करता है, कि इट हेल्प्स इन लोकलाइजिंग द सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड। कि अगर एक तरफ से आवाज आ रही है, तो आपका जो हेड मूवमेंट है, आपकी जो आई मूवमेंट है, नेक मूवमेंट है, सब उसी तरफ हो जाता, ठीक है। इफ समवन इज कॉलिंग योर नेम, तो आपकी डायरेक्शन उसकी तरफ हो जाती है, ठीक है। अब देखो, व्हेन यू आर ड्रॉइंग द ट्रांसवर्स सेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दीज डिटेल्स ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से पॉइंट थे जिसकी डिटेल बताई गई है। डिटेल्स ज्यादा ना भी याद रहे, बट ये मेन चीज भी याद रहेगी, सो इट्स गुड इनफ। ऑलराइट, तो हमने अभी देख लिया, ये ग्रे मैटर था, ठीक है, दिस वॉज अ ग्रे मैटर। और जब एग्जाम में बना भी रहे हो ना, तो भी इसको थोड़ा पेंसिल से या ब्लैक पेंसिल कलर से इसी तरह से इसको मार्क करना है, सारे एरिया को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाइट मैटर। अब जो जो बचा वो क्या है, व्हाइट मैटर। अब व्हाइट मैटर में ना, हमने अभी देखा था ना कि हमारे पास किस तरह से ये टेक्टम, टेगमेंटम, क्रस्ट सेरिब्राई, सेरिब्रल पिडंकल वाले रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे व्हाइट में ही आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रस्ट सेरिब्राई। तो आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, सारा दिस पार्ट, दिस इज नथिंग बट योर क्रस्ट सेरिब्राई, ठीक है, क्रस्ट सेरिब्राई है ये आपको। अब इसमें भी ना क्या होता है कि आप तीन पार्ट्स देख सकते हो, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, ठीक है। तो मिडल पार्ट जो है, उसमें होते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, मिडल में, ठीक है। मिडल में क्या है हमारा, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, मिडल 2/3 में। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है क्रस्ट सेरिब्राई का, अगर ये 2/3 है, तो थोड़ी सी अपनी मैथ्स लगाओ, तो ये 1/6 है और ये 1/6 है, ठीक है। मतलब बचा हुआ इज 1/3, और मैं बता रही हूँ कि उसमें भी आधा आधा कर दो, तो ये 1/6, 1/6 है, ठीक है। तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट मिडल में, कॉर्टिको न्यूक्लियर भी है, बट आप ये भी याद रखो, सो दिस इज ऑल्सो फाइन, ठीक है, आप ये याद रखो। नेक्स्ट कम्स फ्रंटो पोन्टाइन फाइबर्स, जो मीडियल 1/6 में है। तो ये हो गया मीडियल 1/6, इसमें है आपके फ्रंटो पोन्टाइन फाइबर्स, फ्रंटो पोन्टाइन फाइबर्स, ठीक है। अब देखो, नेम आपको पता है ना कि किस तरह से होते हैं, जब भी हम ट्रैक्ट की बात करते हैं, फाइबर्स की बात करते हैं, कि यहाँ से ओरिजिनेट होके यहाँ पर जा रहा है। नेक्स्ट कम्स दिस पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेम्पोरो ऑसिपिट, टेम्पोरो पराइटल एंड ऑसिपिटो पोन्टाइन फाइबर्स, यानी कि टेम्पोरो पोन्टाइन फाइबर्स, पेराइटो पेराटाइन पोन्टाइन फाइबर्स और ऑसिपिटो पोन्टाइन फाइबर, ठीक है। तो इसको ना ऐसे भी याद रखते हैं कि टीपी, पीपी और ओपी, ठीक है, दिस इज सीएस। तो हमने
ये जो ये वाला पार्ट था हमारा क्रस सेरेब्राई पूरा ये हमने देख लिया, इसके 3 पार्ट्स हैं। अब आता है टेगमेंटम वाला पार्ट। अब आता है टेगमेंटम वाला पार्ट जो कि हमने ये देखा था, टेगमेंटम वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, ये 4 चीजें दिख रही हैं। तो ये 4 चीजें क्या हैं, इसके लिए ना ये होता है, आपको याद रखना है LSTM, LSTM, ठीक है, कोई निमोनिक बना लो, LSTM आपको याद रखना। तो ये सारे LSTM क्या है, ये सारे लेमिनिस्कस हैं, ठीक है, दीज आर लेमिनिस्कस जो एक बैंड के फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है, और एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है इनका, ठीक है, इस तरह से, एंड इट लुक्स लाइक अ नेकलेस, ठीक है। तो LSTM से क्या क्या याद हो जाएगा आपको, लेटरल, स्पाइनल, ट्राइजेमाइनल, मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। तो ये सारे लेमिनिस्कस आपके होते हैं, ठीक है। इन्फीरियर कॉलिकुलस का मैंने बताया था कि ये लेटरल लेमिनिस्कस जो है इससे एफरेंट लेता है और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में इफरेंट देता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मीडियन प्लेन में देखो ना, तो आपको क्या दिखेगा, यू विल सी दिस, ठीक है, मिड लाइन में आपको दिखेगा डीकसेशन ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, ठीक है। डिकसेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर, कि लेफ्ट के फाइबर राइट में जा रहे हैं, राइट के लेफ्ट में जा रहे हैं, क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है, किसका, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स का, ठीक है। और क्या क्या दिख रहा है आपको, मिड लाइन से ही साइड में जाओ तो आपको दिख रहा है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, ठीक है, जो कि जो ये ट्रोक्लियर न्यूक्लियस है आपका, इसके काफी क्लोज रिलेशन में है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, अब देखो यहीं से नीचे जाओ तो आपने मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल देख लिया। अब है हमारे पास टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट और रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर हम ट्रॉक्लियर नर्व को देखें, तो दिस इज आर ट्रॉक्लियर नर्व, ट्रॉक्लियर न्यूक्लियर, ट्रॉक्लियर नर्व है ये पूरी। तो अब देखो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो एक पॉइंट में, कि ट्रॉक्लियर नर्व पहले लेटरली जा रही है, ठीक है, और फिर आगे डॉर्सली जा रही है, ठीक है, आगे एज इन पीछे, डॉर्सल इज पोस्टीरियर, तो लेटरली जाके ये पोस्टीरियर जा रही है इस ग्रे मैटर के साइड साइड से होके, ठीक है। सो द ट्रोक्लियर नर्व पासिस लेटरली एंड डॉर्सली अराउंड द सेंट्रल ग्रे मैटर, सेंट्रल ग्रे मैटर, इट डीकसेट्स इन द सुपीरियर मेडुलरी वेलम एंड इमर्जेस लेटरल टू द फ्रंटल वेलम। इतनी डिटेल में ना जाओ, बस यहाँ से ये क्रॉस ओवर कर रही है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया, अगर हम इंफीरियर कॉलिकुलाई की बात करें, देखो नो वन इज गोइंग टू जज योर यू नो ड्राइंग स्किल्स इन इट, बस आपको ये सारी चीजें बनानी है, लेबलिंग सही की हुई है, मीडियल लेटरल सही बनाया है, सो यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी इट इन दिस डायग्राम व्हिच आई हैव ड्रॉन फॉर यू। तो दिस इज एट अ लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। तो सबसे पहले हमें क्या सोचना है, जब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, हमें सोचना है कि पहले ग्रे मैटर देखते हैं फिर वाइट मैटर। ग्रे मैटर में क्या क्या आएगा, लेट मी जस्ट, इसका कलर भी हम ग्रे कर देते हैं ना, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली ग्रे ही था, ठीक है। तो 3 चीजें याद रखनी है आपको जब आप ग्रे मैटर को डिफाइन कर रहे हो। सबसे पहले ये हमारा सेरिब्रल एक्वेडक्ट था, तो इसके अराउंड वाला जो स्पेस है पेरी एक्वेडक्टल स्पेस, ठीक है, वो वाला ग्रे है। उसमें क्या 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है, जो मीडियली और वेंट्रली हमारा क्या है, हमारा ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस है, हमारा ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस है। और लेटरली क्या है, ठीक है, इससे लेटरली गए तो क्या है, फिफ्थ नर्व का न्यूक्लियस, जो कि मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस है, मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस है। सेकेंड ग्रे थिंग वॉज द सबस्टांशिया नाइग्रा, नाइग्रा का मतलब डार्क पिगमेंटेड, तभी ये ग्रे दिख रहा है आपको। थर्ड थिंग इज इन्फीरियर कॉलिकुलस, वो तो नाम में ही है, सेक्शन के नाम में ही है, तो वो तो आपको दिखेगा ही, ठीक
ठीक है, इन्फीरियर फॉलिकुलर्स का क्या काम बताया कि हमारे हेड की मूवमेंट और हमारे नेक की मूवमेंट, आईज की मूवमेंट उस तरफ जहाँ से साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रे मैटर। फिर आप वाइट मैटर को देखते हो तो ये वाला पार्ट आ जाता है एक सेरिब्रम, जिसको अगेन हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे मिडल वाला पार्ट है, मिडल 2/3 पार्ट है, उसमें है सी एस एंड सी एन। जल्दी से बताओ सी एस और सी एन क्या है? कॉर्टिको स्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पर हम फिर आप सबसे मीडियल जाओगे तो इसमें फ्रंटो पॉन्टाइन फाइबर्स है। फ्रंटो पॉन्टाइन फाइबर्स है 1/6 पार्ट में। जो बचा हुआ 1/6 है उस पे है हमारे पास PPTPOP। PPTPOP क्या है हमारे पास? ये देखो, टेम्परो पॉन्टाइन, पराइटो पॉन्टाइन और ऑसिपिटो पॉन्टाइन फाइबर्स। ठीक है, फिर हमने टेगमेंटम वाला पार्ट देखा। ये हमने टेगमेंटम वाला पार्ट देखा, उस पे क्या क्या देखा? लेमिनेस्कस, LSTM आपको याद रखना है, लेटरल स्पाइनल, ट्राइजेमाइनल और मीडियल लेमिनेस्कस। ठीक है, लेटरल लेमिनेस्कस एफरेंट दे रहा था इंफीरियर क्वालिकुलाई को, और यहाँ से इफरेंट किसके पास जा रहा था? हमारा मीडियल जेनिकुलेट बॉडी पे। ठीक है, अब मिड लाइन से देखना स्टार्ट करो तो आपको दिख रहा है डीकर्सेशन, यानी कि क्रॉसिंग ओवर ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। और अगर आप ये पार्ट्स देखो तो आपको मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल एंड टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट भी आप अप्रिशिएट कर सकते हो। ओके, सो नाउ एज आई सेड, लेट्स डू इट वंस अगेन, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट। तो आप भी साथ साथ ड्रॉ करना एंड ट्राई टू कीप आंसरिंग, दो वर्चुअली ओनली। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि ये डॉर्सल है और ये वेंट्रल है। ठीक है जी, ठीक है। तो एज आई सेड, नो वन इज गोइंग टू जज योर ड्राइंग स्किल्स, जस्ट मेक श्योर कि आप लेबलिंग सही से करो। ठीक है, तो डॉर्सल वेंट्रल हमने डिफाइन कर दिया। अब एक बेसिक आउटलाइन बना ली। अब हमें सोच रहे हैं कि पहले हम ग्रे मैटर वाली चीजें अब ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि 3 है, और फिर हम व्हाइट मैटर पे जाएंगे। तो ग्रे मैटर पे सबसे पहले क्या था? पेरी एक्वाडक्टल स्पेस। तो उसके लिए पहले एक्वाडक्ट बना लेते हैं, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। तो यहाँ पे मैंने बना ली हमारी सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है, और ये वाला जो थोड़ा सा इसके अराउंड स्पेस हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट? पेरी एक्वाडक्टल स्पेस। और हमें पता है हम यहाँ पे ग्रे मैटर डिस्कस कर रहे हैं, तो लेट अस जस्ट मेक इट दिस वे। ठीक है, ऐसे आप इसको ग्रे बना देना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिफाइन करने हैं और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे एक ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस था जो वेंट्रो और मीडियली था, तो थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, लेट्स मेक इट ग्रे ओनली। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस, और उसके ऊपर ये क्या है हमारा? मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ नर्व। फिफ्थ नर्व कौन सी थी? ट्राइजेमाइनल नर्व। ठीक है, तो ये हमारा ग्रे मैटर है। और हमने क्या देखा था कि हमने बहुत सारे पार्ट्स देखे थे अपने मिड ब्रेन के। तो एक पार्ट था सबस्टांशिया नाइग्रा। तो यहाँ पे भी आप ग्रे ग्रे वो कर दो, दिस इज द सबस्टांशिया नाइग्रा। नाइग्रा का मतलब अब आपको पता है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस एरिया का, पार्किंसोनिज्म पे। तो यहाँ पे आप लिख दो सबस्टांशिया नाइग्रा। कूल, और क्या था?
हमने कहा कि ट्रांसवर्स सेक्शन किसका बना रहे हैं हम? ट्रांसवर्स सेक्शन हम बना रहे हैं एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलर, तो सर्टेनली इन्फीरियर कॉलिकुलर्स तो होना ही चाहिए, है ना। फिर हमने कहा कि यहाँ पर कुछ मिनिस्कस हैं। इंफीरियर कॉलिकुलर्स के बारे में सोचोगे ना तो सोचना कि इस पे एफरेंट कहाँ से आ रहा है, लेटरल मिनिस्कस, तो कहाँ पे लेटरल मिनिस्कस, लेट अस ड्रॉ देम। तो यहाँ पे आपके ये चार लिमिनिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या याद रखा था, LSTM, ये है M, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लेटरल, ये हो जाएगा हमारा स्पाइनल, ट्राइजेमाइनल जो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है, ट्राइजेमाइनल और मीडियल, ये सारे क्या है, लेमिनिस्कस। कूल। फिर अब थोड़ा सा मिड लाइन में आते हैं, ठीक है। मिड लाइन में आएंगे तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे एक डीकर्सेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, किस चीज की हो रही है, लेट अस राइट इट डाउन। तो यहाँ पे डीकर्सेशन हो रहा है ऑफ द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, ठीक है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। ये जो सेरिबेलम होता है ना वो हमारे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ ब्रेन से कनेक्टेड होता है, तो जो एक सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है उसका यहाँ पर डीकर्सेशन या क्रॉसिंग ओवर ऑफ फाइबर्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से नीचे जाओ ट्रोक्लियर से तो ये दिख रहा है, देन वी हैव दिस एंड उसके बाद वी हैव दिस, ठीक है। तो इनको डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पर है हमारा मीडियल जेनिकुलेट बंडल, ठीक है। दिस ग्रीन वन इज व्हाट, टेक्टोस्पाइनल फाइबर्स या ट्रैक्ट, ठीक है। एंड ये जो आपको पर्पल सा दिख रहा है ये है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। देखो जब भी डायग्राम ड्रॉ करो ना तो पूरा पेज लेना, ठीक है, वहाँ पेपर के टाइम पे आपको यू नो पेज बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा बड़ा और अच्छा सा डायग्राम बनाना और उतने स्पेस में अच्छे से बनाना कि ऐसे खिचपिच सा ना लगे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया। एंड वन थिंग आई थिंक आई फॉरगॉट टू ड्रॉ इन इनिशियल पार्ट, तो आप ना यहाँ पे हर सेक्शन में ना मोस्टली बनता ही है, व्हाट इज दिस जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया है, दिस इज अ रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम क्या होता है, हमारी अलर्टनेस में ये हेल्प करता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल गाइस, ठीक है, इसको बना के देखना। नाउ आई रियली होप कि आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा ये सब, ठीक है। जस्ट मेक श्योर, जस्ट गो थ्रू इट एग्जाम से एकदम पहले भी ना, इसको जल्दी से देख के जाना। आई एम श्योर दैट यू विल डू ग्रेट।